हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी स्टडी IQ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 1000 क्वेश्चंस का, जो है ये पार्ट 5 है। और इसके पहले जो है मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप उस पार्ट को देख सकते हैं, जो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, SSC, CGL, CHSL और अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद जो है एक बेल आइकन आएगा, सॉरी, उसके बाद जो है एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है मैं डेली लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है। देखिए दोस्तों, सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक हैं वो है हम्फ्री डेवी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। दोस्तों, जो समुद्र की गहराई है उसको फैदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, वो किया था न्यूटन ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भस्म को क्षार कहा जाता है, का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वो प्रभाव पड़ता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, काफ़ी इजी और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कीटाणु नाशक के रूप में जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों, रक्त का जो है 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के जो है फलस्वरूप हो जो है वो ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन में शर्करा का क्या होता है। दोस्तों, श्वसन में जो है शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। अमाशय में जो है भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO गैस का गुण क्या होता है। CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है गुण वो होता है उदासीन। ठीक है, CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अधिकतम 8 हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव पड़ता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। अम्ल में जो है हाइड्रोजन तत्व के जो परमाणु हैं वो अनिवार्य रूप से रहते हैं। ठीक है, अम्ल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ब्रिक का भार कितना होता है। प्रत्येक ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है। तो दोस्तों, किडनी का भार होता है 150 ग्राम का। ठीक है, किडनी यानी ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम का। अगला प्रश्न, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों, वो करता है 1.5 लीटर का 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का क्या कार्य है। दोस्तों, हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, राइबोजोम किसकी सतह पर होती है। राइबोजोम जो है वो होती है एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र है वो है मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वो है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था। तो दोस्तों, वो था सीब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सीब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, वो है बोरेक्स।
सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों जो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है वो है कवक। अगला प्रश्न, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों कोकीन का मुख्य स्रोत है इरिथ्रोजाइलोन कोका। कोकीन का मुख्य स्रोत इरिथ्रोजाइलोन कोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस को स्रावित करता है। दोस्तों पीत रस को जो है कौन स्रावित करता है, यकृत। इंग्लिश मीनिंग है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। दोस्तों जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरेब्रम, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की जो है खोज वो किसने की थी, कार्ल लैंड एस्टिनर ने। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड एस्टिनर ने कब की थी, वो की थी 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। दोस्तों जो लैक्रिमल ग्रंथियाँ हैं वो स्रावित करती है आंसू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3.6 × 10^6 जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10^6 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों, जो थर्मामीटर का आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये था रेलवे सामान्य विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 5। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।